अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साम अली चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान फार्मिंग। ले जी, मैंने जो दूसरा रूम जो है वो रेडी कर लिया इनके लिए। चूना वगैरह हो चुका है और तोबी भी ने बिछा दी है। यहाँ से मैंने शिफ्ट कर दिए चूज़े अपने और एक नई जगह पे जो कि इनकी पुरानी जगह ही थी, लेकिन अब वो उनके लिए नई हो गई है और यहाँ पे मैंने इनको जो है शिफ्ट कर दिया है। आज माशाल्लाह से पहला दिन है यहाँ पे दोबारा इनका। 46 दिन की एज हो चुकी है इनकी और देख रहे हैं माशाल्लाह साफ़ सुथरा। नीचे चूना मार दिया है, ठीक है, जरासीम के लिए, और नई तो भी चाहिए तो खेल कूद रहे हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि जो कॉक्सी का इशू है ना वो अक्सर इनके साथ आता रहता है। तो जब नॉर्मल होता है तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी एक फार्मूला बताया था देसी, जिसमें जो है वो होता है कि आप फीड में जो है ना वो 2 दिन तक जो है ना वो दही और हल्दी मिला के देते रहें, तो इंशाल्लाह उसमें जो है ना वो आपको खुद ब खुद फ़र्क नज़र आ जाता है और किसी किस्म की कोई जो है ना वो आपको रेड बिट नहीं नज़र आएगी। चूँकि अब ये हो गए थोड़े बड़े, आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 चूज़ों ने बिट की है, तो मैं जो है ना वो इसको ये समझ रहा हूँ कि मुझे जो है ना वो पानी में साथ इनको जो है ना वो एक प्योर जो कॉक्सी क्योर होती है उसके साथ जो है ना वो मुझे फीड भी साथ चलानी चाहिए, दही दही और हल्दी के साथ, और इनको जो है ना पानी के साथ जो है ना ये भी देना चाहिए। तो ये जी इनके लिए बकायदा बनी है, ठीक है, कॉक्सी क्योर एक ही है और ये बिट के रेड बिट के लिए ही है, तो 100 ग्राम की है जी। और इसको मैं जो है ना वो इस्तेमाल करने लगा हूँ। इलाज के लिए तो 1 ग्राम 2 लीटर में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनको सिर्फ बचाव के लिए देने तो 1 ग्राम 4 लीटर पानी में दे सकते हैं 3 दिन के लिए लगातार। तो मैं इनको जो है ना वो बचाव के लिए इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इलाज इतना कोई ख़ास नहीं है कि बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हो तो फिर तो मैं 1 ग्राम 2 लीटर में दूँ, लेकिन क्योंकि मैं फीड में दही और हल्दी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये जो है ना वो नॉर्मल ही यूज़ रहेगा बचाव के लिए, ठीक है जी। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे वीडियोस जो है वो देखते रहिएगा और आगे भी शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नई से नई वीडियोस जो है ना वो मैं लेके आता रहूँगा। तो अब इनकी फाउल पॉक्स की वैक्सीन रहती है जो कि मुझे अपने ही शहर में नहीं मिल रही और इसके लिए मुझे जो है ना वो लाहौर जाना पड़ेगा। तो होपफुली मैं जो है ना वो आज या कल जाके जो है ना वो फाउल पॉक्स की वैक्सीन लेके आऊँ ताकि जो है ना वो इनके ऊपर की जाए। वो इंशाल्लाह बड़ी मज़ेदार एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी एक्टिविटी है, हर चूज़े को पकड़ के उसके पर में लगाने वाली है, तो इंशाल्लाह आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। तो तरीक़ेकार मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है जी। तब तक के लिए इजाज़त है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।